गुना जिले के रूठियाई से आए लोगों ने वहां के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की शिकायत प्रशासन से की है। इस संबंध में आए पार्षद और उनके साथियों ने रूठियाई स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की मनमानी की शिकायत प्रशासन से कर डाली है। इन लोगों का कहना है कि रूठियाई स्वास्थ्य केंद्र पर जो स्टाफ है वह अपनी मनमानी चला रहा है। यही नहीं, स्टाफ द्वारा लगातार यहाँ पहुंचने वाले मरीजों से पैसों की मांग की जाती है। वहीं कुछ मरीजों से पैसे भी काट ली गए हैं, जबकि उन्हें इलाज के नाम पर सुविधा नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर यहां के पार्षद ने शिकायत प्रशासन से कर डाली है और स्वास्थ्य विभाग से संबंध में हस्तक्षेप कर रूठियाई स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को हटाए जाने की मांग की है। से 150 ही मांगे थे कि ज्यादा मांगे थे? अच्छा, 150 रुपए में जाना प्रमाण पत्र दे रहे। अच्छा, कौन आपके गांव का नाम क्या है? लाड भदौड़ी। और पंचायत? भदौड़ी। भदौड़ी, आप लोगों को कब से है, मतलब ऐसी ये दिक्कतें कब से आ रही? कितने बार चले गए आप हॉस्पिटल में? तो जिंदगी जगाम से ऐसी परिस्थिति है। अच्छा अच्छा, हमेशा से ये ऐसी? हमेशा से। अच्छा, जब जाओ जब डिलीवरी की अलग लेते हैं और अलग अलग लेते हैं हर एक काम के पैसे? वो तो अच्छा, अलग लेते हैं। हाँ। आप लोगों को ये मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता में 10,000-12,000 जो भी रुपए मिलते हैं उसका भी पैसा मांगते हैं क्या? बिल्कुल मांगते हैं, उसके 1,000-2,000। अच्छा, जो भी कुछ मतलब पैसे लेते हैं तभी पैसे डालते हैं, नहीं तो अच्छा, किसी का पैसा नहीं मिलता। चलो ठीक है, धन्यवाद। अब तुम्हारी बारी है। किसकी डिलीवरी लेके गए थे आप? तुम्हारी बहू की। नारानी की। नारानी भाई की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने पैसे लिए थे? 2,000 रुपए लिए थे। अच्छा, गांव कौन सा है आपका जी? कौन सा गांव है जी? खेरुआपुरा। अच्छा, अब बोलो कौन सा गांव है? खेरुआपुरा। अच्छा, और भी एक आध बार गए आप डिलीवरी लेके? की ये कई डिलीवरी लेके गए थे? अच्छा अच्छा, ये बहू है आपकी? अच्छा, कितने रुपए लिए थे भाई? अच्छा, और आप भी गई थी लेके? आपसे कितने लिए? 15। अच्छा, आपसे 1500 रुपये लिए। वगैरह जो अपन बनवाते हैं जन्म प्रमाण पत्र, इसके भी लेते हैं क्या पैसे? पैसे ले दे तो देता हूं। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र? अच्छा, 100 भी ले लेते हैं। अच्छा, 100 भी ले लेते हैं और किसी से 200 भी ले लेते हैं? अच्छा, 200 लेते हैं जन्म प्रमाण। अच्छा, 200 लाए जन्म प्रमाण पत्र के? अच्छा अच्छा अच्छा, और अच्छा, महीना 6 महीना में देते हैं जन्म प्रमाण पत्र? अच्छा 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 अच्छा, नहीं दी। कितने पैसे मांग रहे हैं? कितने मांग रहे हैं? रघुवीर सेन है। कहाँ से आए? रूठियाई से। बताएं क्या समस्या लेके आए? समस्या तो रूठियाई अभी बीमार हो चुकी है, जबकि लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल में जाके हम लोग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में जाके लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नर्सें जो गाँव से लोग भट्टों से काम करते हैं उनको डिलीवरी करवाने के लिए रूठियाई लाया जाता है, वहाँ पे लाकर उनको भर्ती करते हैं तो वो बोलते हैं 7,000 रुपये लगेंगे आपके, क्या बात के, नहीं तो आप गुना ले जाइए। तो वो अगर 7,000 रुपये है तो डिलीवरी होगी, अंतर डिलीवरी गुना में जाके होगी। किसी को बच्चे का एडमिशन करवाना तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना तो 400 रुपये लगेंगे, किसी को शुगर की जाँच करवाना तो मन मुझे पैसे लगेंगे, अगर किसी को किट लेना तो वो मेडिकल से लाई जाएगी, हॉस्पिटल से नहीं। उसको बेचेंगे तो या तो गार्ड दे देगा या मुकेश नागर है वो पैसों में देगा एक तरफ ले जाके। इस प्रकार की बड़ी समस्या है। टीकाकरण के लिए अगर कोई बाहर से लोग आता है तो उनका टीकाकरण नहीं किया जाता है, यदि डॉक्टर से बोलते हैं तो बोलते हैं 181 पे आप कॉल कीजिए, हमें किसी का डर नहीं है। अभी शिकायत करी है? अभी शिकायत की थी, डॉक्टर जी ने बोला कि 181 पे कॉल कीजिए। आनंद जी धाकड़ टीकाकरण करवाने के लिए गए थे तो 181 पे कॉल कीजिए। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर साहब ने अभी बाहर आवेदन ले लिया गया, क्या आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द इसकी कार्यवाही की जाएगी। और हम आपका नाम? रघुवीर सेन है। रमेश? रघुवीर। क्या नाम है आपका? विलास भाई। कहाँ से आए? सनोतिया से आए थे, हॉस्पिटल में रूठियाई में। हाँ, रूठियाई में नर्सन ने 5,000 रुपये ले लाए मुझसे, जिसके बाद डिलीवरी दे दी, बिलेट लगी थी वहाँ तक। तो मैंने कहा मैंने भाई 5 मर लियो, 4 ले लियो, 3 ले लियो,
कुछ नहीं, 5,000 निकालो, नहीं तो हम तुम्हें गुना भेज देते, 60,000 लेते। जब खड़ा कर 5,000 रुपया था, जिसके बाद तुमने टाँखे लगाए, जब तक मेरी बहू बाप पड़ी रही, बाप कोई सुध नहीं बहू। आज मेरा मना पूछने जो जा तो दे देती का रुपया तो बिना लालच में ले लाए, मैं बहू कहाँ से ला दी। क्या नाम है आपकी बहू का? मनीषा। कितनी उम्र होगी? 22-23 की होगी। क्या समस्या भैया? उनकी मैं 21 तारीख को शाम को आया और मंगलवार को 9:43 पर डिलीवरी हुई, तो इन्होंने पैसे पहले लिए, मंजू वो सीमा मैडम और संजा मैडम दोनों। कितने पैसे लिए इन्होंने? 3,000 रुपये लिए, बाद में टाँके लगाए, पहले साइन करवा लिए, पैसे ले लिए, इसके बाद में टाँके लगाए। किस बात के पैसे लिए थे? डिलीवरी के। डिलीवरी के, हाँ। तो आपने इसकी शिकायत की अभी? अभी नहीं की, अब कर रहा हूँ। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? धरना होता। कब आए थे आप? मैं आया था सोमवार को। मंगलवार को डिलीवरी हुई थी सुबह 9:45। 3,000 रुपये लिए? 3,000। 5,000-10,000 रुपये लड़से मांग करती है, नहीं देने पर अगर डॉक्टर के पास में कंप्लेंट करने जाते हैं, डॉक्टर उल्टे जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं 181 शिकायत कर दो, हमारा 181 पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, हम पे कोई कंप्लेंट नहीं होगी। इसी तरीके से परेशान डॉक्टर बोलते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, हमारी कुछ कोई नहीं कर सकता कोई। और वो जो है मुकेश धाकड़ है, वो 400 वो भी 400 लेता है। अगर किसी को जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना है या जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है या कोई भी ये समस्या के लिए गया, शुगर की जांच करवाना तो 50 रुपये दे, यदि अगर ब्लड की जांच करवाना तो 50 रुपये दे। इस तरीके से मनमानी चल रही नर्सों की, डॉक्टर की, सबकी।